नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य में बिगड़ी हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जम्मू में हैं और वहां का हवाई सर्वे कर रहे हैं। इसके बाद पीएम श्रीनगर जाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक अब तक जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की तादाद 116 तक पहुंच चुकी है। श्रीनगर शहर में झेलम नदी का पानी घुस चुका है और कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। श्रीनगर में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है और आज भी वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। कटरा से वैष्णो देवी भवन तक 13 किलोमीटर का रास्ता साफ किया जा रहा है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। आज पांचवा दिन है जबकि वैष्णो देवी की यात्रा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। कल ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कहा गया था कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक लोग आगे ना बढ़े। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि जम्मू में किस तरह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों में तवी नदी में उफान की वजह से तवी नदी पर बना हुआ पुल कहीं टूट चुका था। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। कल गृह मंत्री पहुंचे थे वहां पर राजनाथ सिंह। उन्होंने हवाई सर्वे किया था, इलाके का दौरा किया था। आज प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं दौरा करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का। तीसरी तस्वीर आप श्रीनगर की देख सकते हैं। श्रीनगर में तो शहरों में झेलम का जो पानी है वो घुस गया है और ये अकेले सिर्फ श्रीनगर की आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर में आप देख सकते हैं किस तरह से सैलाब है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये सड़कों की, शहर के अंदर की सड़कों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बंद हो चुकी हैं दुकानें आप देख सकते हैं क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों का भी निकलना मुश्किल है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो SUVs होती हैं वो भी डूबी हुई हैं आधी आधी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि गाड़ी निकालना भी कितना मुश्किल है। अस्पतालों तक में पानी घुस गया है, यानी कि अस्पताल में जो मरीज़ हैं वो फंस गए हैं इस वजह से, पानी की वजह से, क्योंकि नीचे पूरा पानी, ग्राउंड फ्लोर में अगर हम कहें तो पूरा पानी भर गया है। श्रीनगर शहर में इस बाढ़ की तबाही का अंदाज़ा यहाँ पर लगाया जा सकता है। ये श्रीनगर का आधा शहर है जहाँ से ये पानी आ रहा है और इसी के पीछे जो है श्रीनगर का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल जीबी पंत अस्पताल जो है वो है, आर्मी मुख्यालय जो सेना का हेडक्वार्टर है वो भी इसी इलाके में आता है और रिहायशी इलाका भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे जो ड्रम है तेल के वो बह रहे हैं इस पानी में और अब ये पानी जो है यहाँ पर इसने दीवार काटी है और यहाँ से निकलकर अब ये डल झील जो है वो भी पूरी तरह से पानी से पूरी तरह से भर आया है और सड़कों के साथ उसका मेल हो गया है। जिस अंदाज से ये पानी झेलम का धीरे धीरे अब रिहायशी इलाकों में आकर वहां से भी बाहर निकल रहा है उसने लोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ा दी हैं और श्रीनगर शहर आधे से भी ज्यादा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ में डूब चुका है। जहां तक राहत कार्य की बात है बिल्कुल ना के बराबर अब श्रीनगर में दिख रही है क्योंकि ना ही तो वाहन चल पा रहे हैं इस तरह के वाहन में और इस तरह के पानी पे, जो कि एक बड़ी सड़क है, सबसे व्यस्त सड़क है श्रीनगर की, और इसमें क्या हाल हो रहा है और लोगों का सामान किस तरह से बह रहा है इस बाढ़ में उसका अंदाजा यहां पर लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बाढ़ से काफी मुसीबतें लोगों को है। मरने वालों का आंकड़ा जाहिर है बढ़ सकता है, अभी उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है क्योंकि हजारों ऐसी जगहें हैं जहां तक अभी प्रशासन सरकार नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर के बीचों बीच बाढ़ के ये हालात हैं। ये सड़क श्रीनगर के सरकारी सचिवालय तक जाती है जहां मंत्री मुख्यमंत्री बैठते हैं। वो करीब 3-3.5 फीट जो है पानी के नीचे डूब चुका है, वहां जाने आने का कोई रास्ता नहीं है और ये सड़क पूरी जो है आप देख सकते हैं उस तरह भी गाड़ियां हैं, इस तरह भी गाड़ियां हैं, कोई वाहन जो है इसमें चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो भी वाहन इस पानी में चलता है या तो वो बीच में फंस जाता है या फिर उस तरह के हालात होते हैं। श्रीनगर का हाई कोर्ट जो है उसमें अब पानी धीरे धीरे घुस रहा है और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है बाढ़ के कारण अब एकदम जो है कामकाज ठप हो गया है सरकार का। यहाँ तक कि श्रीनगर के अधिकतर अस्पताल जो हैं वो पानी के नीचे आ गए हैं। श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल जो जीबी पंत हॉस्पिटल है इन्फेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वहाँ एक मंजिल जो है अस्पताल का पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और उन बीमारों को और बच्चों को
फिलहाल दूसरे और तीसरे मंजिल की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जिस अंदाज से जहलम दरिया का पानी अब धीरे धीरे शहर के बीचों बीच घुस रहा है, उससे लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। श्रीनगर में हालात बेहद खराब हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहां की महिलाओं ने अपना हाल बयां किया आज तक संवाददाता अशरफ वानी से। हालांकि महिलाएं स्थानीय भाषा में अपना दर्द बयां कर रही हैं, लेकिन साफ है कि वो कितनी परेशान है। उमर नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बात करेंगे जम्मू की। जम्मू में जो स्थिति है वो आपको बताते हैं, तबाही ही तबाही हर ओर है, लेकिन मौसम की मेहरबानी ये है कि आप देखिए कि आज मौसम खुल चुका है और आसमान बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राज्य के दौरे पर हैं, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा आज भी रुकी हुई है। हम आपको बता दें, पिछले चार दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। श्रीनगर में तो हालात वैसे ही हैं, लेकिन जम्मू में आज थोड़ा सा मौसम मेहरबान हुआ है, बारिश रुकी हुई है, मौसम खुल गया है और प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं दौरे के लिए। हवाई सर्वे कर रहे हैं इस इलाके का। आपको बता दें, तवी नदी में उफान की वजह से जम्मू में भी हाल बेहाल था। कल तवी नदी पर जो पुल बना हुआ था उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं उनके लिए आफत और मुसीबत, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कई लोगों को, हालांकि जो नदी में फंसे हुए थे लोग, उनको एयरलिफ्ट करके कल निकाला भी गया। तबाही के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तबाही के निशान किस तरह से, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और सामान अस्त व्यस्त हो गए हैं और लोग जो वहाँ हैं वो बेहद परेशान हैं क्योंकि रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो तक उन तक पहुँच नहीं पा रही है। दुकानें बंद हैं क्योंकि पानी भर चुका है, सड़कों पर लबालब पानी है। आप देख सकते हैं आज किस तरह से एक तस्वीर, आप पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है क्योंकि बारिश वहाँ पर नहीं हो रही है, बारिश थमी हुई है, तो थोड़ी सी राहत की बात जम्मू के लोगों के लिए। लेकिन तबाही के निशान किस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में, आप देख सकते हैं बाढ़ और पानी ने तबाही के निशान छोड़ रखे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, सड़क से कई जगहों से जो है वो पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। और बाढ़ से जो परेशान वहाँ के लोग हैं उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये पुल कट गया, उसके बाद सड़क धर्म भरम हो गई, ये जितना भी फ्लड से पानी आया तवी का लोगों के घरों में चले गया, काफी माली नुकसान हुआ। जानी नुकसान तो ईश्वर की कृपा से थोड़ा कम नहीं हुआ इस एरिए में, लेकिन माल मवेशी भी काफी बह गए और पानी जो भी है फ्लड का लोगों के घरों में चले गया। सड़क का बिल्कुल रास्ता जो है शहर से कट गया है और काफी नुकसान हुआ है जो कि आपके सामने आप भी देख रहे हैं। तो आपके माध्यम से आप गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि फौरी इसका मतलब ये नुकसान की भरपाई की जाए। उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में रेल मुसाफिरों का हाल बेहाल है। बाढ़ की वजह से कई रेलगाड़ियां रद्द हो गई हैं, यात्री जहां के तहां फंसे हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको जम्मू में तबाही के निशान दिखाते हैं किस तरह से, हालांकि आज मौसम खुला हुआ है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन किस तरह से बाढ़ और मूसलाधार बारिश के बाद जो तबाही के निशान हैं वो आपको जम्मू में देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, कई मंदिरें जो हैं वो टूटकर, जो चबूतरे हैं वो गिर गए हैं, पुल जो है वो टूट चुका है। कल ही तवी नदी पर जो पुल बना हुआ था उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। आप देख सकते हैं सड़कों का हाल क्या हो गया है, पूरी तरह से बारिश में जो बह जाना होता है, मिट्टियां कट कट के निकल गई हैं सड़कों से, जो शहर से संपर्क होता है वो टूट गया है कई इलाकों का।
तो इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है और पटरी पर आ पाना जिंदगी यहां पर मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई थी, ट्रक्स फंसे हुए हैं, लोगों के घरों का हाल आप देख सकते हैं जहां पर पानी अंदर घुस गया था। लेकिन आज अब फिर से लोगों को मशक्कत करनी है और फिर से जीवन पटरी पर यहाँ पर आ पाए, ये एक चुनौती है वहां की सरकार के लिए भी। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बाढ़ और भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुआ है। कई जगह पहाड़ों से गिरा मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, खास गाड़ियों से सड़क साफ करने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में ये एक समस्या रहती है कि बारिश के बाद वहाँ पर कई पहाड़ से मिट्टियाँ कट कट कर नीचे आ जाती हैं और उसके बाद उनको साफ़ करना, सड़क से मलबा हटाना, ये एक बड़ी चुनौती होता है। लेकिन जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और कोशिश की जा रही है बड़ी बड़ी मशीनों से कि इस मलबे को हटाया जाए ताकि यातायात की जो सुविधा है फिर से सुचारू रूप से चालू की जा सके। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत जमीन पर तबाही मचा रही है, हर तरफ पानी ही पानी है। मौसम के मार से माता वैष्णो देवी का दरबार भी अछूता नहीं है। हमेशा भक्तों के जयकारे से गुलजार रहने वाले वैष्णो देवी मंदिर 3 दिन से सूना पड़ा हुआ है। आज चौथे दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता की एक पुकार पर भक्त दौड़े चले आते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार पर इन दिनों कुदरत की मार है और माता के भक्त बेजार हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि करीब 6,000 श्रद्धालु बुरी तरह से फंस गए हैं, जो जहां है वहीं रुका हुआ है। माता की आस्था पर कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है, यात्रा थम गई है। भक्त परेशान हैं कि माता रानी उनका कैसा इम्तिहान ले रही है। कटरा से माता वैष्णो देवी के करीब 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम को देखते हुए भक्त फिलहाल अपनी यात्रा टाल दें। यात्रा थमे हुए आज चौथा दिन है। ऐसा पहली बार हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा 4 दिनों से रुकी हुई है। सभी भक्त यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए था कि यात्रियों को जो असुविधा लगातार बारिश की वजह से और बारिश से चलते हुए ट्रैक से, पहाड़ से किसी किस्म का कोई पत्थर आए या मलबा आए, उससे उनको इंजरी हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये यात्रा को रोका। और लगातार कल से बारिश हो रही है, पूरी रात भर भी बारिश होती रही, तो इस सब को देखते हुए यात्रा को सस्पेंड रखा गया। लगातार भारी बारिश से मंदिर के रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ टूटने से रास्ते में जगह जगह मलबा जमा हो गया है। श्राइन बोर्ड के कुछ शेल्टरों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। गुरुवार को त्रिकुटा में लैंडस्लाइड में ही 2 महिलाओं समेत 3 भक्त जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सुरक्षा बलों ने राहत अभियान चलाकर रास्ते में फंसे करीब 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित कटरा पहुंचाया था। मौसम की मार श्री शक्ति वैष्णो देवी एक्सप्रेस पर भी पड़ी। शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से कटरा के लिए चली ट्रेन कटरा नहीं पहुंच पाई। ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन को रामनगर डायवर्ट कर दिया गया। ट्रैक पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया था। लैंडस्लाइड से भी पटरी को नुकसान पहुंचा। उधमपुर और कटरा के बीच मियावली में जगह जगह लैंडस्लाइड का मलबा पटरी पर आ गिरा। भगवान भक्तों का इम्तिहान लेते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भक्तों को आसानी से नहीं मिलता। मुरादों की मां कहलाने वाली माता वैष्णो देवी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती दिख रही हैं। वैसे कहते हैं माता जिसे बुलाती हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से पूरा जीवन थम गया है। इसका सबसे ज्यादा असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर पड़ा है। श्राइन बोर्ड ने सभी यात्रियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2-3 दिन के लिए कम से कम अपनी यात्रा स्थगित कर दे,
क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जम्मू में अब मौसम साफ हो गया है और धूप खिल गई है, लेकिन बाढ़ से हुई बर्बादी चारों तरफ दिख रही है। ताजा हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार। पिछले चार दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से जम्मू में तबाही का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज जो है मौसम कुछ खुला हुआ है। आप देख रहे हैं कि मौसम में काफी बदलाव आया हुआ है। ये तवी नदी का इलाका है जो कि कल पूरे उफान पर थी और ये पूरा इलाका जो है पूरा डैमेज कर चुका है। ये आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो है इन्होंने एक स्पॉट बनाया था, ये साथ में पार्क बनाई थी, पूरी डैमेज हो गई है। सामने का जो पुल है, एक और पुल जो है नया पुल भगवती नगर को टच करता था, नया पुल लास्ट ईयर बनाया था, ये पुल का एक जो स्पैन है यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका है। आप देखिए कि तवी जो कल थी, कल की तवी जो थी बिल्कुल ऊपर करीबन ये 19 से 20 फुट हाइट पर जा रही थी, आज जो इसका जो पानी का बहाव है, वाटर लेवल जो है 9 फुट पर पहुंच चुकी है, जो कि डेंजर लेवल से काफी कम है। इसी तरह से जो चिनाब रिवर जो है कल जो है करीबन 50 फुट पर टच कर रही थी, आज उसका जो लेवल है 32 फुट पर है। आज जो तवी नदी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का बहाव बिल्कुल कम हो चुका है। कल ये ऊपर तक जा रहा था, ये पूरा ये टच का इलाका था, जो ये सामने वाली बिल्डिंग है ये यहाँ तक कल पानी था और पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया था और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने यहाँ से लोगों को निकाल दिया था और सरकार ने सब लोगों को अलर्ट कर दिया था कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश चल रही थी उसकी वजह से काफी यहां पर डर हो चुका था और पूरा का इलाका, आज जो ऊपर का इलाका है, आज भी अभी जो खबर आई है कि उधमपुर में 6 लोग और मारे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा करीबन 110 लोग अभी तक जो है डेथ हो चुकी है, हालांकि अनऑफिशियली 150 के ऊपर जा रही है और लोगों को अलर्ट कर, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी उस तरह कैजुअलिटी और बढ़ेगी, मकान और टूटेंगे। कैमरामैन शहीद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। जम्मू में बाढ़ के कहर से आज थोड़ी राहत है, तवी नदी का जलस्तर घट रहा है, मौसम साफ है, लेकिन अभी भी शहर में कई ऐसी तस्वीरें हैं जो तबाही के सबूत पेश कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौसम साफ है ये अनुमान तो लगाया जा सकता है क्योंकि बारिश रुकी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन बाढ़ और मूसलाधार बारिश जो पिछले 4-5 दिनों से लगातार इस इलाके में हो रही थी, उसके बाद तबाही के निशान किस तरह से अपने पीछे छोड़ गई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी इतने दिनों से, सरकार को उनके पास पहुंचना मुश्किल हो रहा था। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू के लिए लगी हुई थी, लेकिन कई ज़रूरतों के सामान भी उन तक नहीं पहुंचे हैं अब। लेकिन जब अब बारिश रुक गया है वहां पर, क्योंकि देखिए घरों के अंदर तक पानी घुस गया था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था, मुश्किल हो गया था, लेकिन अब धूप खिली है वहां पर, थोड़ी राहत ज़रूर है बारिश और बाढ़ से, लेकिन उसके बावजूद जो तबाही के निशान हैं वो साफ देखे जा सकते हैं और लोग अब कैसे फिर से संभले और कैसे फिर से पटरी पर यहाँ पर ज़िंदगी लौटे, ये एक बड़ी चुनौती यहाँ की सरकार के लिए भी।